श्री गणेशाय नमः, वेद पुरुषाय नमः, वासुदेवाय नमः, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वे महाभारत के अंदर पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैश्यपान जी कहते हैं, जन्मेजय अमावस्या तिथि थी, बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान है, विमानों की भीड़ से ठसाठस भरे, अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, ऊंचे ऊंचे नीचे उद्यान है, नदियों के लंगार है, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं है, वहाँ बर्फ ही है, वृक्ष नहीं है, हरिण और पक्षी नहीं दिख पड़े, पक्षी भी वहाँ उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माँ जी कैसे चल सकेंगे? आप अपनी पत्नियों के साथ यह यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा, मैं समझता हूँ कि सनातनहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। यह बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य चार ऋण लेकर जन्म लेता है, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परिकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋषियों ऋणों से तो मुक्त हो गया हूँ, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्र का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदंत अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए, आपका अनुरोध सफल हो। पांडु ऋषि की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि वे किंदम ऋषि के श्राप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहाँ से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशविनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आई आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नाम के ऋषि को सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी, वह चाहे अथवा न चाहे तुम्हारा अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी, उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधिपूर्वक धर्मराजा का आह्वान करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा है, उसके जो संतान होगी वह निःसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराजा का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वह मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमली के विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता मैं तुझे क्या वर दूँ? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योगमूर्तिधारी धर्मराज के सहयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजीत मूर्त था, सूर्य था तुला राशि पर। जन्म हित होते ही आकाशवाणी ने कहा, यह बालक धर्मात्मा मनुष्य में श्रेष्ठ होगा, यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा।
पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और यह तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आह्वान किया। महाबली वायुदेव हरिणों पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय ही आकाशवाणी हुई कि यह पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मजय भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे। इतने में वहाँ एक वाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वह चूर चूर हो गई। चट्टान के सेकंडों टुकड़े देखकर राजा पांडु चंकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था।